इंस्पेक्टर साहब, मारी बहन की सारी दौलत पे इनकी नजर से है। अब आप ही बताओ कि मैं अपनी बहन की आखिरी निशानी इनके हाथ कैसे सौंप दूं? I'm sorry, Rane sir. ये आपका फैमिली मैटर है, मैं इसके बीच में नहीं पड़ूंगा। सो तो है इंस्पेक्टर साहब। टेक केयर इंस्पेक्टर साहब। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या दिक्कत हो गई? आग तिजोरी में लग रही से माता थारा गरम हो लिया। तू कहते हवा झल दू है? परमेश्वरा, हमारे सारे गहने तो इधर है। यही गहने की बात कर रहे थे ना? हैं? हमें वापस दो। ना 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 ना, ये गहने तो हमारी बहन के से। सारे गहने तिजोरी में जल के अब भस्म हो लिए, और इसका गवाह इंस्पेक्टर है। ओ हेलो, ये गहने तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। हमें वापस करो ऐसे ही। रसीद है तेरे पास? धर दे हमारे हाथ में रसीद, और रसीद ना है तो मन ने बता दे, तारे हाथ में संतरे वाली टॉफी धर दूंगा। गहने गहने लगा रखे हैं, तुम सब की मारी बहन की दौलत पे नजर से, और ये गहने लेके मैं को ये समझना आ रहा है कि ये इतने भारी भारी गहने औरतें कैसे पहने से? राम नाम जपना पराया माल अपना। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ देखो, ये सारे गहने ना स्वरा के। अरे मैडम, ये 50,000, और ये वाला ये तो पक्का 1,00,000। जब ये गहने हमारे हैं, उन दो चुड़ैलों ने मारी बहन स्वरा से छीने थे, और अब मैंने उन दोनों चुड़ैलों से छीन लिए। ये गलत किया? बता, सही किया ना? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो ना। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं भी कल्याणी राणे, ये गहने तो मैं तुम्हें नहीं चुराने दूंगी, फिर चाहे तुम इन गहनों को कहीं भी छुपा लो। खैर, काम से काम तक की बात रखते हैं, तुम्हें काम बताती हूँ अपना। हाँ जी। तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम्हें एक बोलो तुम्हें एक जौहरी की दुकान में जाना है, और वहां जाकर पता लगवाना है कि मल्हार जी उस दुकान में किस काम के लिए जाया करते थे। अच्छा, बताओ जी। और ओके मैडम, यू गया और यू आया। याद आया, जरूरी काम। क्या है? मैं सोच रहा से यहाँ पे हाँ यहाँ पे टैटू करा लूँ। टैटू? पूछो कौन सा। अरे मैं बता देता हूँ, आज नगद कल उधार, ताकि जितनी बार भी आप मारे को देखो ना, आपको याद आ जावे कि आपने सिर्फ एक अंगूठी दी है, उसके बाद एक ढेला नहीं दिया। तो क्यों करूं मैं आपका काम, बता दो। देखो तुम ना, और मुझे लग रहा था कि तुम इसे मल्हार साबित करना चाह रही हो, है ना? ये मल्हार है ये। अरे काका, एक तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट बंद कर दिया, फिर कह रहे हो कि मैं मल्हार ना हूं। ये रट्टा लगा रखा से, मैं मल्हार हूं। अंडे की तरह क्यों बल रहे हो? मारी बहन के गहने से मारे को उसकी याद आई, मन ने पहन लिए, के गलत काम कर दिया। शर्म नहीं आती? अरे कैसे बात करता है ये मल्हार, ऐसे बात किया करता था। काका
आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन सच को कोई बदल नहीं सकता। कल्याणी जी, हमारे पास ना एक धाकड़ प्लान है। सुनोगे? मन्ने लाग रहा से कि इस दुकान के सारे गहने ना लाखों के होंगे। ये बाप कहो तो सफाया कर दें। 50% आपके और हमारी फीस भी माफ। कर यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाया ना, इनसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी लगा दिया, और वैसे भी सर से बुरा तो कोई ना है। हाय मैम, सुदर्शन सर ने मुझे भेजा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थे ना? हाँ। अरे नमस्कार साहब, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। नमस्कार सर, आपका टेबल वैसे का वैसे खाली पड़ा है। थोड़ा सफाई वफाई करा दो है? ओके है ना कि मैं ठहरा भारत का सबसे बड़ा पुलिस अफसर। अब इतने सारे चोर उचक्के गुंडे होंगे तो कौन पकड़ेगा उनको? सारा काम उसी में, बस सारा टाइम निकल जाएगा उसमें। अच्छा एक्सक्यूज मी, सुनिए ना, जरा एक मिनट इधर आएंगे। जी कहिए। अब एक्चुअली मुझे पूछना था कि विट्ठल नाम का कोई आदमी काम करता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी यहाँ पे काम नहीं करता है। अच्छा पक्का? हाँ पक्का। एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल आया है, अब तब तक यहाँ पे बैठ जाइए। शो नकली माल है। कैमरे ने हमारी जिंदगी तबाह कर रखी है। चेक कर रहे थे बस, बिना शक्कर का, बिल्कुल वैसा जैसा आपको पसंद है। जैसा मन ने पसंद है, याद है तुमने सब? है थैंक यू जी, बड़े फायदे हैं पुलिस बनने के भाई। भगवान बनने लग रहा है कि हमारा सपना मल्लाद बन के पूरा होगा। ऊपर वाले अगले जन्म में मन ने भी मल्हारी की जो। Cheers। कैसे पता लगाऊं कि ये विट्ठल है कौन, कहां ढूंढूं इसे? जल्द से जल्द विट्ठल चाहिए, पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे? विट्ठल अब एक्सक्यूज मी, कोई है? शेरा, शेरा क्या हुआ है? शेरा, ये शेरा ये कैसे हुआ? फूल, कोई है यहाँ पे? कुछ मदद करो, हमारी कोई है? शेरा, आगे चलो और बताओ ये कैसे हुआ? किसने किया शेरा? शेरा नहीं, शेरा कुछ ही होगा ये मैं। अगर अपने पति को बचाना चाहती है तो हमें विट्ठल तक पहुंचा दे। अगर विट्ठल नहीं मिला तो तेरा पति नहीं बचेगा। विट्ठल कौन? शेरा
शेरा नहीं, 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 देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ कुछ नहीं होने। मलार सर अब जिंदा है? सर आप लॉकअप की तरफ क्यों जा रहे हो सर? अरे तो एसी वाले कमरे बंद करेगा के। सेरा भाई पुलिस वाले बन के आए हो, चोर ना हो आप। अरे रुक जाओ, आता ना बोल, देख चक्कर घुमाता हूँ अभी। अरे अरे हमारा मतलब से है कि लॉकअप के पास ना जाऊंगा तो ऐसे बावड़ी कुछ बदमाशों की खबर कहते लूंगा। अरे मलार भाई के राज में तू चोरी करे से हैं? रुक जा, देख तेरे कैसे दर्द याद दिलाता हूं। अरे ये गोला बड़ा कमाल का सा है, पूरी दुनिया इस गोले में बसा दी। अब बेटा हमारी बात सुन, यहाँ को छोड़ दे। सर सर ये कैसे हो सकता है सर, इसको चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है सर। अरे हमारे भाई जैसा मारा मतलब से है अगर ऐसे बदमाशों को भाई की नजरों से ना देखोगे तो इनकी इंसानियत कैसे जागेगी। आप कहाँ जा रहे हैं? उस बहरूपिये का पर्दाफाश करने पुलिस स्टेशन आ रहा है, वो पुलिस स्टेशन में सबके सामने उसका पर्दा उठाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, किसी भी हाल में कल्याणी पुलिस स्टेशन ना पहुंचे। जी ठीक है। लेकिन सर अरे क्या दिक्कत हो गई, मैंने कही ना कौन हूं मैं कौन हूं पता, पढ़ के बता क्या लिखा है। मल्हार राणे। मल्हार राणे कह रहा है क्या को छोड़ दे, जाओ लेके आओ। जी सर। एक रन लाग रहा था, किस तरह पकड़ा गया? मेरी दादी बीमार है सर, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, मैं 10,000 रुपए तो लेके नहीं तो वो मर जाएगी सर। अरे अरे दादी बीमार है इसकी, कोई गलत काम नहीं किया है इसने। क्या काम करो तू, जा और सुन दादी के लिए अमरूद लेता जाइयो और मारा प्रणाम बोलियो। आरो 500,000 रुपए दे दे। अरे टैक्सी में लग जावेंगे और फिर अमरूद भी खरीदेगा। क्या करते हो यार? अरे निकल जाएगा, तुझसे भी तो कर दूं। चल अच्छी तरह निकल ले और दादी को प्रणाम बोलियो। लेकिन सर वो मेरी बात ना ध्यान से सुन, आज से ना हम ये 5-10,000 के चोर ना पकड़ेंगे, अब हम सब मिलके लाखों का घपला पकड़वाएंगे, अखबार में नाम होगा, सौरत होगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और जब बच्ची कुच्ची फाइले हैं वो भी ले आ, सबका कल्याण आज ही कर देंगे। सर मैं ये एक मिनट है सर। कल्याणी मैडम। मैडम ये सर को क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी अभी लॉकअप से मुजरिम को जाने के लिए कह दिया और छोड़ दिया उसे। थैंक यू पवार काका बताने के लिए, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। ओके
शेरा बिना हिम्मत कैसे हुई इसके मुझसे बिना पूछे पुलिस स्टेशन जाने की? आदमी तो कुछ भी कर सकता है, मुझे जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन अब। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? वो भी इतनी जल्दीबाजी में? वो तुम्हारे भैरूपी मलार के पास, वो पुलिस स्टेशन में है क्या? मगर बहुत देर कर दी कल्याणी, उस भैरूपी मलार का भांडा फूटने वाला है। वैसे उस भैरूपी को तुम घर में जिसके लिए लेकर आई थी वो छोटा पैकेट है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है। है? क्या किया तुमने पिल्लू के साथ? अरे मैं, कहाँ है मेरा पिल्लू? मैंने, मेरा पिल्लू कहाँ है? मस्त हटो, मैं मेरा बच्चा कैसे? हटो पिल्लू। अरे लिखो ना। अरे लिख तो रहा हूँ, रुक जाना, सबर तो कर ले थोड़ा। अगर इतनी प्रैक्टिस तुमने स्कूल में की होती ना तो आज कम से कम अपना सिग्नेचर करना तो आता तुम्हें। तू के बत्तीसी फाड़ा बे, तुमने बोलना आता है? देख मैं कैसे पटर पटर बोले हूँ। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, सिरा ने मारा मुक्का, चार दांत तोड़ा। सॉरी। इसको ना सारी रात प्रैक्टिस करने दो, पूरी रात जाकर तुम सिग्नेचर की प्रैक्टिस करना, और अगर ढंग से नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर गया। चल हम अपनी पढ़ाई करते हैं। चल। मोक्ष इज अ गुड बॉय। शेरा इज अ गुड बॉय। गुड बॉय। क्या कहाँ? हाँ, प्रैक्टिस करने बोला था ना तुम्हें। गुड बॉय। कल जब पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई साइन करने के लिए कहेगा तब तुम क्या लिखोगे? गुड बॉय, शेरा इज अ गुड बॉय, ये लिखोगे? हाँ, तो प्रैक्टिस करो ना। मारे भी थोड़ी मदद कर देती ना तो मैं भी जल्दी सीख जाता, लेकिन ना। सर तो मेरी ही है ना, किसी भी हालत में ऐसे मल्हार जी की सिग्नेचर उल्टी सीधी अखंडनी नहीं चाहिए। पहले तो पेन उस हाथ में पकड़ो, पेन उस हाथ में पकड़ो। हेलो, शादी चल रही है क्या कोई, जो इतना शर्मा रहे हो? ढंग से पेन इतना ऊपर से कौन पकड़ता है? हाँ, यहां से पेन पकड़ते हैं, इतना भी नहीं आता। अगर मैंने सिखाया ना तो मैं तो इसका, ये आदमी तो मेरे बस के ही बाहर है। काम के पैसे पूरे चाहिए लेकिन काम तो आधा भी नहीं करता है ढंग से। एक मिनट, सॉरी। अरे टमी, बाहर किस तरह आ गया तू? बेल मिल गई तन्ने? किस तरह बेल मिल गई भाई? वो चंट औरत ने आपकी पत्नी बनके मने जेल में अंदर कर दिया। खबरदार टमी, कल्याण जी के बारे में कुछ गलत ना सुनूंगा मैं। सुन ले तू पहले। एक मिनट। क्या हुआ शेरा भाई? ना 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 ना,
ये क्या हो गया आपको? अरे क्या हो गया? प्यार व्यार तो नहीं हो गया छोरी से? अरे बावरा हो रहा है तू है? भूत बिलाव बना दूंगा मैं तारा, तन्ने कुछ समझ नहीं आता। मैंने सोचा मैडम जी की मदद कर दूं, परेशान है थोड़ी। कितनी मेहनत करके अपने हाथों से मैंने अपने पति के हस्ताक्षर करना सिखा रही से। आजकल के जमाने में इतनी मेहनत करे कोई ना। मरने लगे ना कि आग दोनों तरफ लगी से। अच्छा हाँ। तंदे कुछ ना बताए तू, तू ना संतरे टॉपिक चूसा कर बस। मैं बात सुनो ना, मरने लगे है कि छोरी में इंटरेस्ट है आप में। पता लगाने की कोशिश तो करो। कुछ सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। बताऊ? अच्छा तू मन्ने भी बता दे। साथ तेरे तू भी है। चल फोन रखते। भाई बाथरूम की कुंडी तोड़ देना। जब वो नहाने आए तो ऐसा नाटक करना कि आप गलती से बाथरूम के अंदर आ गए। अगर उसके दिल में भी आपके लिए घंटी बज रही है ना भाई, तो वो चपट के सीधा आपको गले लगा लेगी। लो आ गए इंस्पेक्टर मल्हार राणे, उन या फिर यू कहूं रिश्वतखोर मल्हार राणे। सुनो एक मिनट कल्याणी, हाँ इससे पहले तुम अपने इस बेईमान पति की तरफदारी करो। एक मिनट, ये देख। क्या हुआ, फंस गई? बुरी फंसी ना। चलो मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देती हूँ, एक काम करो, या तो ये बात मान लो कि ये मल्हार मल्हार नहीं बहरूपिया है, या फिर अपने पति के नाम पर इतना बड़ा कलंक लगते देखो कि वो एक रिश्वत खोर है। एक तो उसकी नौकरी जाएगी, दूसरा नाम खराब होगा, और तीसरा ये मोहल्ले वाले ना ऐसे बेईमान आदमी को मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? उठाओ पत्थर, साले रिश्वत को कमी नहीं। नहीं। एक खबरदार मोहर बना दूंगा, सुनो तेरा। गड्ढे लेके आ जल्दी। अगर मैंने जो साबित कर दिया ना कि मैंने रिश्वत ना ली है, तो यही पत्थर से भोबरा फोड़ दूंगा थारा। देख लो आज्ञा सबूत। मुझे आती ना वीडियो में जो बैग तुमने मन्ने लेते देखा था, ये वही बैग है ना? है? है कि ना? अब ये बैग इसकी गड्डी में कैसे आया? जवाब दे, देखूंगा क्या हो गया। अपने बेटा मुझे नहीं पता ये बैग मेरी गाड़ी में कैसे आया। जैसा आपने कहा था ये पैसों का बैग मैंने मल्हार को दिया था। मोहर बना दो तुम सबका। अब क्या हो गया, भूत देख लिया के? खिलाओ तुमको संतरे वाली टोपी। बेईमान पुलिस ऑफिसर को घर में ना रहने दोगे तुम? मोहल्ले में ना रहने दोगे तुम पुलिस वाले को? है रुक, चच्ची बगली सारे भाड़े के टट्टू।
ये ले जा, सरकारी खजाने में जमा करा दे। भग जा, इससे पहले थारा मोर बना के उड़ा दूं। भग। और तुम एक बात ना कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे मल्हार जी पर कोई झूठा इल्जाम लगाया, मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली ना, तो जुलूस तुम्हें मोहल्ले में तुम्हारा निकालूंगी, समझी? यानी तुम्हें तो मैं, अरे डायन चची रुक, अरे अरे डायन चची, देखा बेटा मोस्क किस तरीके गुंडों को हीरो के जैसे बगाया मैंने। देखो गुंडे तो तुम हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने रिश्वत ली है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था मैडम जी, आपने और छोड़ने बचाने वास्ते पीसे तो चाहिए थे ना, पर जब मैंने पता लगा कि दाल में कुछ काला से, तो मैंने वही बैग उस आदमी की गाड़ी में डाल दिया। साक्षर तो सेरा वीस है थोड़ा सा। तुम ना जद मैडम जी, अपना ख्याल ना रखो, अपना देखो दर्द हो रहा है ना, तो क्यों इंग्लिश हिला रही हो अपनी इतनी? थोड़ा ख्याल रखो, ऐसा नहीं होता ना जी। ज्यादा ना हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जितने पैसे देती हो ना उतना ही काम करो, समझे? पैसा तो दे ही नहीं रही, बस बोले जा रही हो पैसा दोगी दोगी, कब दोगी पैसा, दे कर रही हो पैसा। चल बिल्लू। मैडम जी थोड़ा तो दे दो। तेरी आईफाई बिल्कुल ठीक है। शेरा, उस आदमी का तो नाम नहीं लेना मेरे सामने, गुस्सा आता है मुझे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मल्हार जी के नाम पे रिश्वत लेने की? हाँ हाँ मानती हूँ, उसने जो कुछ भी किया वो हम दोनों की जान बचाने के लिए किया, लेकिन फिर भी वो ऐसे मेरे मल्हार जी का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता है ना, वो तो मेरी मजबूरी है ना, इसलिए बर्दाश्त भी कर रही हूँ मैं इसे। मैं कब का थक्के मार के घर से निकाल चुकी होती। नहीं, वो एक अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। जो इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, उससे पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वो इंसान कभी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। मैडम जी आप बिजू इतनी भाभी, आप मारा मतलब सुन, कल्याणी जी मारा दोस्त बिरजू। दुनिया के सारे गुंडे बदमाश तुम्हारे दोस्त हैं क्या? खैर चलो चलो अभी हटो, मुझे बात करनी है। झट मैडम जी सुनो। मैडम जी मैं कर रहा हूँ ना पूछताछ, आप रहने दो, आप पूछताछ करोगे तो डर के मारे भाग जाएगा। हाँ मतलब आपका भोपरा थोड़ा गर्म से ना, कभी कभी तो मन भी डर लग जावे, ये तो गरीब सा चोर से। ये डब्बे में क्या लाया? खाना है। खाना मारे लिए? अरे अम्मा उन्हें सुन ली मारे, मारा सपना पूरा कर दिया। ओ हेलो हेलो शांत, ये खाना मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ, ये सिर्फ एक बहाना था, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मैंने लगा कि आप हमारे लिए। वो सब छोड़ो मैडम जी, हमारे पास ना एक आइडिया है। ये खाना ना आप मन्ने देता हूँ है? और बिरजू को ये बोल के कि आपके हाथ का खाना है, मैं खाना खिला के सारी सच्चाई बुलवा लूंगा है? आप यही रुको वहां बताना, वरना संतरे वाली टॉफी चूस लेगा वो, मतलब डर जाएगा, बतावेगा ना कुछ। तो तुम चाहते हो कि पूरा पुलिस स्टेशन सोचे कि मल्हार जी गुंडों के साथ बैठ के खाना खाते हैं? हाँ मैडम जी, आपको विठल करा जानना से कि ना जानना से बता दो। फाइन, लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन के ना घर में नहीं घुसते दूंगी। आराम से जाना, टेंशन मत लो। गुड नाइट मैडम जी, हमारी बड़ी चिंता करे हैं। थारे बाप भी ने अपने हाथ से थारे लिए खाना बेचा से।
विठल का पता जब तक नहीं चलता तेरे पति मल्हार की जान खतरे में रहेगी। कहा था तुझसे चालाकी मत करना, अब देख वहाँ तेरा पति जहर मिलाया हुआ खाना खा रहा है, तुझे पता भी नहीं चला और हमने तेरा डब्बा बदल दिया। और फिर जो ही हो रही खीर। ओ भाई क्या खुशबू है। अरे बावड़े सब्जी तो खा ले पहले, सीधा खीर पे लटक गया है? अरे नहीं भाई, मन ने तो मीठा ही खाना, मैंने दाल रोटी ना खानी आज। ऐसा खाना तो शादी पार्टी में नहीं बना हुआ। पानी की बोतल भी ना आया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं मांग लाता हूँ हवलदार से। अरे बिरजू रुक जा, अरे सुन तो। अरे अरे सबको लगेगा हमारे, सबको लगेगा तारी खातिर चल रही है। सुनता ना है। अरे इससे पहले बिरजू सारे खीर खत्म कर दे, थोड़ी मैं भी खा लूँ है, फिर मौका ना मिलेगा। मैडम जी की बात होगी, मैडम जी मैंने तो मना किया था बिरजू को कि बाहर ना जा, तमाशा हो जाएगा, लेकिन मारी सुनता कहाँ है वो। तुमने खाना खाया? हाँ जी मैडम। गलती करती को यार गुस्सा निकालना तो बाहर पे निकाल, तो खाने पे क्यों निकालते हैं? इतना स्वाद खाना बनाया आपने। खाना खाया तुमने? आपको चिंता हो जा रही। उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो, अभी क्या भी उल्टी करो, उल्टी करो। अरे जो मैंने कहा उल्टी करो। अरे इतना स्वाद खाना खिलाया फिर उल्टी करा रहे हो। वो अंदर से निकालो, उल्टी करो। अरे सर, सर। अरे बिरजू ने कोई तमाशा कर दिया। बिरजू ने भी खाना खाया था? अरे मैडम जी मैंने तो कहा खाना खा ले, लेकिन खाना ना खाया, खीर खा ली। खीर?